जय हिंद एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस शिवांगी भट्ट और आज हम लोग एनसीसी मॉक टेस्ट फिफ्थ नेवल विंग क्या क्या होते हैं मतलब किन किन टाइप्स की बन जाती है तो ऑब्वियसली बाइट राउंड टर्न हाफ हिच ट्विस्ट एंड ओवर नॉट वॉट इज अंकर एंकर आपका एक हुक है ठीक है जो एक लंबी सी चेन ऑफ रोप जिसको हम केबल बोलते हैं उससे अटैच्ड होता है और आपकी जो शिप और बोट है उसको टेम्परली ठीक है शैलो वाटर में ठीक है होल्ड करके रखता है क्योंकि जब हम एंकर डालते हैं पानी में तो सीधा सी बेड में जाता है ठीक है तो उससे अगर आपको जैसे रोकना है इमरजेंसी में अपनी बोट को या शिप को तो यू कैन डू इट लेट्स से कि सामने कोई ग्लेशियर है ठीक है बोट टकरा जाएगी शिप टकरा जाएगी तो इन चीजों के लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंकर आई यूज नेवी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लर्न एड बाई हर्ट एडमिरालिटी पैटर्न एंकर एडमिरालिटी स्टैंडर्ड स्टॉकलेस डान फोर्थ एंकर चट्ट क्विक रिलीज एंकर एडमिरालिटी टाइप ए सी फोर ए सी सिक्सटीन राइट डाउन द पार्ट ऑफ एंकर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लगलेस एंकर शैकल एंकर रिंग शैंक पी और बिल ट्रिपिंग पाम क्राउन एंड फ्लुक इसमें आपका डाइग्राम बनाना भी आता है ठीक है कि ये आप मतलब एक एंकर बनाओ उसके पार्ट्स को मेंशन करो तो आप इसका डायग्राम भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना वैरना बगल में गिवन है डायग्राम कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी कौन सी चीज़ें मैंशनड है वॉट इज अ हल जो मेन बॉडी होती है शिप की उसको हल बोलते हैं कील क्या होता है जो बॉटम है आपका कंप्लीट नीचे सबसे नीचे जो बेस है आपका शिप का उसको हम कील बोलते हैं जिसपे पूरी की पूरी शिप टिकी होती है ड्राउट क्या होता है जो डेप्थ होती है ना कील से नीचे वाटर लाइन की उसको हम ड्राउट ड्राउट बोलते हैं

ठीक है आरएएस बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्टिकल सर्वाइवल के लिए शिप एट हाई सीस आरएएस की मदद से एक जो वॉरशिप है ठीक है उसकी रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है ड्रीमेंडसली व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोट इन हार्बर एंड सी हार्बर में आपकी जो रोप है ठीक है उसका भैया सॉरी व्हाट इज द यूज ऑफ बोट इन हार्बर एंड सी हार्बर में ले करना रोप को मॉर्निंग बॉय से ट्रांसफर करना मैन और मटेरियल को फ्रॉम शिप टू जेट्टी एंड फ्रॉम जेट्टी टू शिप रेस्क्यू करना ड्राउनिंग और फ्लड्स के टाइम पे और रिक्रिएशन पर्पज ट्रेनिंग ऑफ कैडेट्स एंड बोट एंड क्रू ठीक है और सी में आपका ट्रांसफ़र करना मैन और मटेरियल को एक शिप से अनदर शिप में फॉर बोर्डिंग ऑपरेशन फॉर सर्वे ऑफ हाई सी माइन क्लियरेंस एंड माइन लेइंग रेस्क्यू इन केस ऑफ मैन ओवरबोट और एयरक्राफ्ट क्रैश वॉट डू यू मीन बाय लाइफ बोट एंड क्रैश बोट लाइफ बोट आपका यूज होती है सी में रेस्क्यू पर्पज़ के लिए क्रैश बोट आपका रेस्क्यू करती है ऑफ अ करैश एयरक्राफ्ट एट सी ठीक है फिर लाइफ uh, आपका राइट डाउन द काइंड ऑफ बोट एंड द काइंड दे आर थ्री टाइप्स ऑफ बोट्स पावर बोट रोइंग बोट सेल बोट ठीक है इसके नाम याद कर लेना कि आपका जो रोइंग बोट है वो डी के वेलर है ठीक है जिसको हम एनसीसी में यूज़ करते हैं बोट पुलिंग के लिए और पावर बोट आर एच आई बी ठीक है सेलिंग बोट आपका एंटरप्राइज क्लास एक्सप्लेन द चेक ऑफ लिस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेडिशंस चेक द गियर्स चेक द बोट फॉर एनी लीकेज कैरी द लाइफ जैकेट क्रू मस्ट बी ब्रीफ्ड ठीक है चेक द वेदर ठीक है यू मस्ट हैव वाटर विद यू ठीक है मस्ट कैरी द फर्स्ट एड किट क्योंकि बहुत लोगों को सी सिकनेस भी हो जाती है ना दैट इज वाई वॉट इज अंकर एंकर एंकर आपका एक आयरन हुक है जो अटैच्ड होता है केबल से जिससे वो आपकी शिप को होल्ड कर सकता है टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए इन शैलो वाटर शैलो मतलब कम पानी ज़्यादा डीप में नहीं कंपनी में ठीक है राइट डाउन द वेरियस टाइप ऑफ एंकर अभी मैंने आपको बताया ठीक है यू कैन रीड इट वंस राइट डाउन द प्रिकॉशंस वाइल एंकरिंग अ बोट चेक द एंकर एंड केबल चेक द डेप्थ स्टेट द टाइड नेचर ऑफ बॉटम तो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है वी विल मी नेक्स्ट वीडियो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कमेंट क्वेरीज यू कैन जस्ट आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन जय हिंद टेक केयर